रखा था लास्ट ओवर रन बनाने पर। सॉरी। भाइयों बहनों, ये देश हमारा संकट में है। ये तो सिर्फ एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने गाली दी है। हार्दिक पांड्या से आप इतनी उम्मीद कर सकते हो? अगर सोचो भारतीय कप्तान, महान कप्तान MS धोनी ऐसा करते हैं तो क्या बीतेगी हम पर? आप अपनी आंखों से देखो। स्मार्ट लग रहा, मैं माँ के सुनिए सपना को दिखाएंगे, सपना को खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ पिक्चर नहीं देखा जाता। बहनों, हमारे देश में एक ऐसा क्रिकेटर है जिसे हाल ही में चोट लगी हुई है, एक्सीडेंट से गुजर रहा है और वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लेकिन उनके साथ हैं उर्वशी रौतेला जो उनकी मदद करते जा रही हैं लगातार। आज मौसम बड़ा ओ बेईमान है और भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आज की वीडियो में स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, क्योंकि आज के मुकाबले में काफी मजा आया। मतलब मजा ही क्या आया, टीम इंडिया ने जीता इस मुकाबले को, वो भी 4 विकेटों से। और आपको पता ही है उसमें KL राहुल यानी सुनील शेट्टी के दामाद ने काफी अच्छी पारी खेली है। जैसा कि उनको पसंद है स्लो खेलना, जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ टेस्ट क्रिकेट में काफी स्लो खेलते हैं और काफी माहिर हैं स्लो खेलने में, और वैसे ही टीम इंडिया को जिता दिया। लेकिन क्या ही बोलूं, रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा थी उतने ही रन बने। अगर तेज होती तो शायद से KL राहुल, मुझे लगता है, इतने रन नहीं बना पाते और स्लो ना खेलते। लेकिन टीम इंडिया जीत चुकी है इस सीरीज को भी, कि अगला मुकाबला जीत पाएगी ये तो मुझे पता नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ बातें करते हैं कल के मुकाबले की। और भाई सब कुछ भी कह लो, कल के मुकाबले में हार्दिक पांड्या का जिस तरीके से स्वैग दिखा ना, वो सबसे अलग है। ऐसा स्वैग हमें लगता है हर प्लेयर में होना चाहिए, क्योंकि उनका दादागिरी इतना ज्यादा बढ़ चुका है टीम इंडिया में कि गाली देना, मतलब जब मन करे तब गाली देते हैं किसी भी प्लेयर को। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं किस तरीके से उन्होंने गाली दी, क्यों दी, क्या रीजन था। और भाई मैं क्या ही बोलूं, आप लोगों को पता ही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कुछ ऐसा हाल रहता है कि बाबर आजम और रिजवान भाई साहब पार्टनरशिप इतनी शानदार करते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ओपनिंग जोड़ी में इतना ज्यादा रन बनाते हैं कि भाई साहब पाकिस्तानी टीम, बाकी मतलब बल्लेबाज या हों चाहे बॉलर्स हों, सारे के सारे डूब जाते हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी बैटिंग पे, चाहे कैसा भी इफेक्ट आए, चाहे कैसा भी डिफेक्ट आए, इन्हें तो भाई बल्लेबाजी करनी है। और ये सब कैसे, ऐसे। भाई लोग, कल के मैच के हल के बारे में बात कर ले तो टीम इंडिया ने टॉस हारा और श्रीलंका ने टॉस जीता। श्रीलंका ने सोचा कि भाई साहब बैटिंग कर लेते हैं जिस तरीके से टीम इंडिया ने पिछले वाले मैच में करी थी, और टीम इंडिया ने 450 रन बनाए और हमें बनाने नहीं दिए। सैम सोचा भाई हमारे दसुन सनाका यानी श्रीलंका के कैप्टन ने, हमारे मतलब आपको 450 रन बनाएंगे और टीम इंडिया को हरा देंगे आसानी से, इनके प्लेयर को बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। गजब बेइज्जती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैसा लगा मेरा मजाक? इनकी सोच पे पानी 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 फेर गया भाई साहब। लेकिन जैसे ही श्रीलंका की बैटिंग की बारी आई तो उनकी ओपनिंग जोड़ी आई अभिष्का फर्नांडो और नवनीधु फर्नांडो ने डेब्यू किया है श्रीलंका की ओर से, और इन्होंने ही काफी ज्यादा रन बनाए, 50 रन बनाए यानी 50 लगाई, और डेब्यू के हीरो रहे यही। लेकिन इसके बाद हमारी श्रीलंका टीम ने 215 रन बनाए, 216 रन का टारगेट दिया टीम इंडिया को जीतने का। लेकिन हमारी टीम इंडिया इतनी ज्यादा खतरनाक थी, और भाई लोग ये सब सोच रखा था हम लोगों ने यानी फैन लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि हाल श्रीलंका का हुआ था इस मैच में, वैसा ही टीम इंडिया के साथ हो रहा था। टीम इंडिया के 96 रन पे 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इस समय लग रहा था टीम इंडिया इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगी, क्योंकि सारे के सारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज निकल चुके थे, अपना रास्ता माप चुके थे। लेकिन इसके बाद आते हैं हमारे सुनील शेट्टी के दामाद और सुनील शेट्टी के हीरो
केएल राहुल, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी और टीम इंडिया को जिताया ही नहीं बल्कि सीरीज भी जिताई और अपने लिए 50 भी लगाई। और भाई सब क्या ही बोलूं, 60 रन बनाए, काफी धीमा खेला लेकिन टीम इंडिया को जिता ही दिया आखिर में, काफी अच्छी बल्लेबाजी थी। तो भाई नाम तो बनता ही है स्वैग के साथ केएल राहुल। और वहीं टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीत लिया 4 विकेटों से और सिराज ने लिए 3 विकेट, तो वहीं हमारे कुलदीप यादव ने भी लिए 3 विकेट। इन दोनों की वजह से साइड से टीम इंडिया जीती है और प्लेयर ऑफ द मैच रहे हमारे कुलदीप यादव। मेरा दामाद मेरा दामाद, भाई सब कितना फनी मीम है। इन्होंने 64 रन बनाए और सुनील सेठी भाई सब मेरा दामाद करते जा रहे। और अगला वाला मीम देखते हैं, इसमें लिखा है वोस्ट ओडीआई बॉलिंग एवरेज, कैसे कैसे रिकॉर्ड बना रहा है ये। और अगला वाला मीम देखते हैं, इसमें लिखा है और केएल राहुल बोलते हैं प्रेशर में मैच जितवाने का घमंड है। भाई इन्हें घमंड तो होना ही चाहिए क्योंकि जिस तरीके से मैच जिताया है, काफी शानदार तरीके से जिताया है। और अगला वाला मीम देखते हैं जिसमें कुलदीप यादव ने कल के मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं, तो हमारे यूजी चेल भाई नफरत करते हैं इनसे और घमंड में बोल रहे हैं अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ये भी इनसे जल रहे हैं। अच्छा हमको सिखा दिया है भाई इस मीम को देखो। इसमें हमारे विराट कोहली केएल राहुल को बोलते हैं बोला था करौली बाबा का आशीर्वाद ले, असर दिखेगा। भाई असर तो देखा है हमारे केएल राहुल में नहीं बल्कि विराट कोहली में। और अगला वाला मीम देखते हैं, इसमें हमारे विराट कोहली रोहित शर्मा से बोलते हैं पिछले मैच में स्कोर करके पोजीशन जमा लिए, हर मैच में थोड़े ही रन बनाएंगे नए बंदों के जैसे, हर मैच में नहीं चलना चाहेंगे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।